हाय, मेरा नाम है शारिब और आप देख रहे हैं कमाल के गैजेट्स। और आज बात गूगल के नए लॉन्च फोन पिक्सल 2 और पिक्सल 2 एक्सएल की। तो बात कर लेते हैं इनके स्पेसिफिकेशन की। तो जो स्मॉलर सिबलिंग है पिक्सल 2, ये आता है 5 इंच की फुल एचडी एमोलेड डिस्प्ले के साथ में विद 16:9 एस्पेक्ट रेशियो। वेट, व्हाट? 16:9? क्या ये 2015 है? तो 2017 के लिए हमारे पास क्या है? पिक्सल 2 एक्सएल। तो पिक्सल 2 एक्सएल में हमें मिलती है 6 इंच की पी ओएलईडी डिस्प्ले क्वाड एचडी रेजोल्यूशन के साथ में, और ये आता है 18:9 एस्पेक्ट रेशियो में। वेल, दैट इज वी एक्सपेक्टेड इन पिक्सल 2 एज वेल। मूविंग ऑन, बात करते हैं इसके रैम की। तो दोनों मॉडल में मिलती है 4GB की रैम और 64GB एंड 128GB की स्टोरेज। क्योंकि इसमें एमोलेड डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया, तो हम सभी जानते हैं कि एमोलेड डिस्प्ले थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो प्रोटेक्शन के तौर पे जो इसमें दिया गया है ग्लास को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5। कैमरास की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलती है 12.2 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा विथ 1.8 एपर्चर, और इसमें OIS और EIS दोनों टेक्नोलॉजीज दी गई है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पर मिलती है 8 मेगापिक्सल का शूटर जो कि आता है f2.2 एपर्चर के साथ में, और इसको पावर देती है स्नैपड्रैगन 835 का चिपसेट, जिसमें जीपीयू जो लगा है वो है एड्रेनो 540 का। अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी कैपेसिटी की। तो बैटरी कैपेसिटी जो स्मॉलर सिबलिंग है उसमें मिलती है 2700 मिलियन पावर की, और जो बड़ी सिबलिंग पिक्सल 2 एक्सएल है उसमें मिलती है 3520 मिलियन पावर की बैटरी। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे खास टॉप फीचर्स की जो इसे बनाता है कॉम्पिटेटिव विद नोट 8 और आईफोन 8 जैसे फोन्स के साथ में। सबसे पहले यहाँ पर IP67 की रेटिंग दी गई है, जो कि लास्ट ईयर गूगल ने नहीं दिया था अपने डिवाइसेस पिक्सल्स में, तो इस साल ये दिया गया है, विच इज नाइस। ऑल्दो इस साल का जो स्टैंडर्ड है वो है IP68 की, बट स्टिल IP67 इज नाइस। इसके अलावा यहाँ पर ड्यूअल फ्रंट फायरिंग स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, जो मुझे लगता है कि एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। हर हाई प्राइसिंग डिवाइसेज में स्टीरियो स्पीकर्स तो होने ही चाहिए फ्रंट फेसिंग। स्टीरियो स्पीकर्स की बात ही अलग होती है। जब आप उसमें गेम खेलते हैं, जब आप वीडियोस देखते हैं, या फिर कुछ और भी आप ऑडियो वीडियो से रिलेटेड काम करते हैं, तो उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत इन्हेंस हो जाती है और वाकई में बहुत मजा आता है। तो मुझे लगता है ये एक स्टैंडर्ड होना चाहिए हर हाई प्राइसिंग डिवाइसेज में, जस्ट लाइक IP67 रेटिंग के साथ। बात करें तो इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर आपको दिया गया है इसके साथ। जो अगर कैमरा कैपेबिलिटी की हम बात करें तो इसमें भी गूगल ने अपने लॉन्च इवेंट में जस्ट लाइक आईफोन 8 के लॉन्च की तरह दिखाया था AR कैपेबिलिटी, जैसे आईफोन 8 में दिखाया गया था कि कैसे उसके जो कैमराज हैं वो ऑगमेंटेड रियलिटी को सपोर्ट करते हैं, उसी तरह से गूगल के कैमराज में भी ऑगमेंटेड रियलिटी का सपोर्ट दिया गया है। इसके साथ ही जो अलग फीचर इसमें आता है वो है गूगल लेंस का। गूगल लेंस पे अगर आप सैमसंग S8 या फिर नोट 8 को आपने देखा होगा, तो उसमें जो बिक्सबी का एक फीचर दिया गया है, तो होता ये है कि जब आप कैमरे को किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताता है कि क्या उसके स्पेसिफिकेशंस हैं और क्या है वो, कहाँ अवेलेबल है और ऑनलाइन और या फिर ऑफलाइन कहाँ मिल सकता है उसके बारे में। और भी इसके साथ अगर बात करें कुछ और फीचर्स की, तो यहाँ पर गूगल ने गूगल असिस्टेंट को और इन्हेंस किया है। वेल, गूगल असिस्टेंट इनका अपना ही सॉफ्टवेयर है, तो ये अभी बहुत सारे एंड्रॉइड डिवाइसेस में गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट ऑलरेडी आ चुका है, बट यहाँ पे जो आपको गूगल असिस्टेंट मिल रहा है वो और भी ज्यादा इन्हेंस वर्जन में है। तो और अगर आपको HTC U11 सीरीज याद होगी, HTC का जो फ्लैगशिप डिवाइस है इस साल का, तो उसमें एक स्क्वीज का फीचर दिया गया था कि अगर आप फोन को स्क्वीज करते हैं तो उसे बहुत सारे जेस्चर कंट्रोल कर सकते हैं, जस्ट लाइक कैमरास या फिर नोटिफिकेशन सेंटर। तो यहाँ पर भी उस तरह का एक जेस्चर दिया गया, आप स्क्वीज को करके अपने फोन को गूगल असिस्टेंट का यूज कर सकते हैं, अगर आपके फोन का पावर ऑफ है तब भी। आपको बताते चलूं कि यहाँ पर सिंगल कैमरा का ही सेटअप दिया गया है, हालांकि अभी एक रेस सी आई हुई है डबल कैमरा सेटअप की, और ये ड्यूल कैमरा का सेटअप जो है वो इवन लो बजट डिवाइसेस में भी अभी हमको देखने को मिल रहा है। और आईफोन 7 प्लस में जो पोर्ट्रेट मोड है जो काफी पॉपुलर हुआ है, सभी लोगों को चाहिए अपनी इमेज और पीछे की इमेज को ब्लर करना, ये इस तरह की जो चीजें हैं, वेल गूगल ने अपने लॉन्च इवेंट में दिखाया कि कैसे ये कैमरा सिंगल कैमरा होने के बावजूद भी ये पोर्ट्रेट मोड को कैप्चर कर सकता है। इसमें जो यूज किया गया है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन और जो इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर वगैरह यूज किया है, तो इसमें काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर का यूज किया गया है इस चीज को, इस कैपेबिलिटी को डालने के लिए। सो वेल, विच इज नाइस, लेट्स सी कि ये कैसा फोटो ले पाता है, क्या इसका जो कैमरा है या पोर्ट्रेट मोड जो इसकी है वो क्या आईफोन 7 या फिर आईफोन 8 प्लस की ही तरह शानदार है या नहीं है। वेल, मूविंग ऑन इसके कैमरा की अगर दूसरी बात करें, तो DxOMark एक ऐसा लैब है जो इमेज की क्वालिटी को टेस्ट करता है और उस
लैब ने अभी कुछ दिनों पहले आईफोन 8 को सबसे हाईएस्ट रेटिंग दी थी किसी भी मोबाइल फोन के कैमरा को, जिसके स्कोर दिया गया था 94 का। बट ऐसा लगता है कि गूगल ने एप्पल की पार्टी को स्पॉइल कर दिया है और इसे मिले हैं डीएक्सओ की तरफ से 98 मार्क्स, विच इज ह्यूज। सो विच प्रूव्स दैट कि अभी फिलहाल गूगल पिक्सल 2 इज द हाईएस्ट रेटेड मोबाइल कैमरा फोन। लेकिन यहाँ पे जो एक कौन है, जो सबसे बड़ी बात है जो मुझे लगती है कि जो यहाँ से ऑमिट किया गया है, वो है हेडफोन जैक का स्लॉट। थी गूगल पिक्सल ने इसको काफी फ्लॉन्ट किया था कि जैसे कि आईफोन 7 ने लास्ट ईयर हेडफोन जैक हटा लिया था अपने डिवाइसेस से, तो गूगल पिक्सल जब आया था तो इसने इस जो हेडफोन जैक का स्लॉट है इसको काफी फ्लॉन्ट किया था कि जरूरी नहीं है कि आपको एक अच्छा फोन बनाने के लिए हेडफोन जैक को हटाना ही पड़े। तो आई डोंट नो व्हाई इसके पीछे इनकी क्या रीजनिंग है हेडफोन जैक को हटाने के लिए, जो मुझे लगता है कि एक अच्छा आइडिया नहीं है। तो बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की और अवेलेबिलिटी की। वेल, इंडिया में ये 26 अक्टूबर से प्री बुकिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। और प्राइसिंग की अगर बात करें तो यूएस में ये फिलहाल इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है 64GB मॉडल की वो है $649 और जो पिक्सल 2 XL है उसकी स्टार्टिंग प्राइस है $849 की। लेकिन जब ये फोन इंडिया में आएगा जो कि पिक्सल 2 है वो 1 नवंबर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसकी जो प्राइसिंग इंडिया में है वो बहुत ज्यादा इसकी कीमत बढ़ जाती है। इसकी कीमत हो जाएगी 61,000 रुपीज 64GB मॉडल की, और 128GB की जो प्राइस होगी वो होगी 72,000 रुपीज। और पिक्सल 2 XL की बात करें तो उसमें 64GB वेरिएंट की जो कीमत स्टार्ट हो रही है वो 73,000 से हो रही है, और 128GB वाली वो अप्रॉक्सीमेटली 83,000 पे सेल होगी। जो मुझे लगता है कि इसकी बहुत ही ज्यादा हाई प्राइसिंग, अगर ये फोन 649 को अगर आप इंडियन करेंसी जो एक्सचेंज रेट है उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो बनती है शायद 43,000 या 45,000 के आसपास। तो आई डोंट नो कि इतना प्राइस क्यों बढ़ जाता है इसका यहाँ पर आने के बाद। अगर ये फोन 40,000 या 45,000 के प्राइस ब्रैकेट में अगर रिलीज होती तो इट वुड हैव बीन अ मस्ट बाय। बट इस प्राइस पे मुझे लगता है कि नोट 8 भी यहाँ पर 68,000 में इंडिया में मिल रहा है, और फिर आईफोन 8 भी यहाँ पर अवेलेबल है 60,000 के 65,000 के रेंज में। सो इट डिपेंड्स कि आपको किस तरह का फोन चाहिए। अगर आप डाई हार्ड स्टॉक एंड्रॉयड लवर हैं तो वेल दिस इज द फोन टू गो फॉर। बट स्टिल मुझे लगता है कि 65,000 की अगर प्राइस ब्रैकेट की बात की जाए तो नोट 8 इज अ बेटर फोन ओवरऑल, क्योंकि उसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे मिलते हैं जो नोट सीरीज में सिर्फ एक्सक्लूसिव हैं। तो ये है मेरे व्यूज पिक्सल फोन के बारे में। क्या है आपके व्यूज, आप हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। और हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अंटिल देन, टेक केयर।